मीराबाई का सीन टू द चरणामृत। अब इसमें सीन क्या है देख लीजिए। रूम इन द अपार्टमेंट्स असाइंड टू द प्रिंसेस मीराबाई इन द पैलेस ऑफ राणा सांगा नियर द विंडो स्टैंड्स सजोगता वन ऑफ द कंपेनियंस हु हैज़ फॉलोड मीराबाई फ्रॉम मेरता। सिटिंग ऑन अ लूज स्टूल इज द ओल्ड नर्स एंगेज्ड इन थ्रेडिंग सम गोल्ड बैट्स विच शी टेक्स वन बाय वन और अ बॉक्स बाय हर साइड ऑन द फ्लोर। तो सीन ये है कि अपार्टमेंट जो कि प्रिंसेस मीराबाई को दिया गया है राजा के महल में, उसके अंदर प्रिंसेस मीराबाई बैठी हुई है और साथ में सजोगता है जो कि साथ में वहां से आई थी मेरता से, और ओल्ड नर्स जो है मीराबाई की वो भी वहां पे बैठी हुई छोटे से स्टूल पे कुछ मनी निकाल करके, गोल्ड के कुछ मनी निकाल करके कुछ माला वगैरह बना रही है। मनी जो बगल में बॉक्स रखा हुआ है फ्लोर पे उसमें से निकाल रही हो। तो होता है कि कुछ ये कि नर्स बोलती है इट ग्रोज डार्क ऑल दो नॉट लॉन्ग आफ्टरनून, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है अभी तो दोपहर थी लेकिन काफी अंधेरा नजर आ रहा है। सजोगता बोलती है कि द क्लाउड्स आर हैवी देयर इज थंडर इन द एयर, तो बादल भारी हो चुके हैं और कुछ थंडर भी हो रहा है, कुछ बिजली कड़कना वगैरह। तो नर्स बोलती है उसी बात पे कि दैट्स ट्रू इनफ इनसाइड द पैलेस एंड आउट, बिल्कुल सही बोल रहे हो पैलेस के अंदर भी और बाहर भी। फॉर 3 होल डेज आवर प्रिंसेस हैज़ बीन कैप्टिव इन दीज रूम्स, पूरे 3 दिन हो गए हैं हमारी प्रिंसेस जो मीराबाई है वो इस रूम में कैद होकर के रह गई है। द रानी प्लान्स सम फर्दर मिस्चीफ टू दैट लिटिल सेंट हुज बॉसम प्योर एज अ वाइट लोटस होल्ड्स नो एविल थॉट, इंडीड शी थिंक्स ओनली ऑफ हर प्रेयर्स एंड दैट शी मे बी वर्थी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो रानी जो है वो शायद कुछ और भी प्लान कर रही है, कुछ और ज्यादा मतलब बुरा करने के बारे में हमारी जो है प्रिंसेस के खिलाफ। प्रिंसेस हमारी जो कि मीराबाई है ये बेचारी, इसका जो दिल है एकदम सफेद जो लोटस होता है उसकी तरह पवित्र है, और जिसके दिल में कोई भी बुरा थॉट नहीं है इंडीड, मतलब यहाँ तक कि वो सिर्फ अपनी प्रेयर्स के बारे में सोचती है और सिर्फ ये सोचती है कि वो श्री कृष्ण भगवान के लायक है या नहीं। तो सजोगता इस बात पे कहती है व्हेन इट वाज नोन इन मेरता दैट शी वाज द वन चूजन टू बी द ब्राइड ऑफ सांगा सन माई मदर स्लैप्ड मी फॉर सम चाइल्डिश प्रैंक सेइंग आई वाज दैट बींग अ गर्ल यू आर नॉट बोर्न एज मीराबाई हु गोज टू मेवाड़ इन रॉयल स्टेट। तो जब खबर वहां पे हमारे यहाँ मेरता में पहुंची थी कि मीराबाई को चुना गया है सांगा के बेटे से शादी करने के लिए, तो मेरी मम्मी ने ऐसी थोड़ा मजाक मजाक में मुझे एक चाटा मारा और कहा कि अरे तू लड़की तो बनी है, लड़की होकर के पैदा तो है लेकिन तू मीराबाई नहीं है, मीराबाई को देखो आज वो मेवाड़ की बहू बनने जा रही है। आई envied her and was beside myself with joy when I was chosen being of distant kin to follow in her train। तो मुझे काफ़ी उससे मतलब एक तरह की जलन हुई और लेकिन मैं काफ़ी खुश इस बात से हुई कि मुझे चुना गया है उसके साथ जाने के लिए इन हर ट्रेन, मतलब उसका जो काफिला है उसमें जाने के लिए। सचमुच की जो ट्रेन होती है उसमें बिल्कुल नहीं, उस जमाने में थी ही नहीं। नर्स बोलती है एंड नाउ यू आर ग्लैड दैट यू आर जस्ट संजोगता, तो नर्स इस बात पे कहती है हाँ और अब तुम्हें बहुत खुशी हो रही होगी कि तुम सिर्फ संजोगता हो, तुम मीराबाई नहीं हो। माई रिच चाइल्ड और शी हुम आई नर्स फ्रॉम बर्थ एंड लव्ड मोर देन द सन हु डाइड, बेचारी मेरी बच्ची जिसे मैंने जब से उसने जन्म लिया तब से पाल पोस के बड़ा किया और उसे अपने बेटे से भी ज़्यादा प्यार किया है जो कि मतलब मर गया है। हाउ थॉनी इज द पैथ हर लिटिल फीट हैव ट्रोट टू मेवाड़, कितना मुश्किल रास्ता था, कितना कांटो भरा रास्ता था जिससे वो मेवाड़ तक आई है। द रानी हेट्स हर एनवीज हर ब्यूटी इज जेलस ऑफ हर सन, तो रानी जो है रानी एनवीज हर ब्यूटी मतलब उसकी ब्यूटी से जलती है, इज जेलस फॉर हर सन। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे 2 वर्ड्स आपको मिल गए, एक होता है एनवी दूसरा होता है जेलस, तो अब ये समझ लीजिए यहाँ लिख देता हूँ, एक होता है एनवी और दूसरा है आपका जेलस, ठीक है।
दोनों के अपने अपने अलग मतलब है। एनवी का मतलब ये होगा कि किसी के पास में कोई चीज है और हमारे पास में नहीं है, तो इस वजह से हमें जो जलन हो रही है वो हो गया एनवी। जेलस ये हो गया कि हमारे पास कोई चीज है और उससे अब हमें खो देने का डर है, तो वो हो गया जेलस। तो इंडिया में हालांकि बहुत ही गलत तरीके से इस जेलस वर्ड का यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल क्लियर है। रानी हेट्स हर, एनवीज हर ब्यूटी, उसकी ब्यूटी जो कि सिर्फ मीराबाई के पास में है, रानी के पास में नहीं है, तो इस वजह से जलती है। इस जेलस फॉर हर सन, और अपने बेटे के लिए भी थोड़े सा मतलब जेलस फील कर रही है कि कहीं अपने बेटे को खो ना दे, कहीं बेटा उस मीराबाई में के साथ में ज्यादा दोस्ती ना कर ले, तो इस बात के लिए वो जेलस है। आई हार्डली डेयर टू गिव द प्रिंसेस फूड अनलेस आई हैव प्रिपेयर्ड इट ऑल माई सेल्फ। मैं बहुत ही मुश्किल से इस बात की हिम्मत करती हूँ कि रानी को ऐसा कोई खाना दे दूँ जो किसी और ने बनाया है। मैं प्रेफर ये करती हूँ कि जो भी खाना रानी को मतलब अपनी प्रिंसेस को खिलाया जा रहा है उसे मैं खुद ही बनाऊँ और उसे खिलाऊँ। देर इज नॉट वन सर्वेंट हु विल नॉट बी रिच इफ हार्म कम्स टू माई डार्लिंग। ऐसी यहाँ पे एक भी सर्वेंट नहीं है जो कि मतलब माला माल नहीं हो जाएगा अगर मेरी बिटिया को कोई नुकसान पहुंच गया तो, मतलब कि बिटिया को अगर कोई या हमारी मीराबाई को कोई नुकसान पहुंच जाए किसी भी तरह से, तो जो भी नौकर चाकर है जिसने भी नुकसान पहुंचाया वो तो माला माल हो जाएगा। शी हैज नो फ्रेंड्स विद इन द पैलेस बट यू एंड मी। उसके यहाँ पे पूरे पैलेस में कोई भी फ्रेंड्स नहीं, बस एक तुम हो और एक मैं हो, वो जो वहां से आए हुए है। संजोक्ता बोलती है दिस इज सेड दैट द नोबल जयमाल स्पोक अप फॉर हर इवन बिफोर द राणा। ये कहती है कि ये लिखा हुआ है दिस इज ओके सेड, ऐसा कहा गया है कि जो जयमाल है उसने प्रिंसेस के लिए बोला, राणा के सामने भी उसने प्रिंसेस के लिए बोला। नर्स बोलती है एंड मच गुड दैट वुड डू, द रानी हैज नो लव फॉर दोज फ्रॉम मारवाड़ इवन दो द मैथियास सिट ऑन द राइट हैंड ऑफ मेवाड़ लॉर्ड वुमेन रिमेंबर ट्वाइस 2000 ईयर्स इफ नीड बी। तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता, ठीक है। रानी हैज नो, रानी जो है किसी भी मेवाड़ के व्यक्ति को प्यार नहीं करती, इवन जो मैथियास जो है वो मेवाड़ के राजा के राइट हैंड बन करके रह रहा है, उसके बाद में भी जो है रानी जो है किसी की परवाह नहीं करती। तो वुमेन जो है औरतों को याद रहता है बहुत ही ज़्यादा, मतलब 2000 साल पहले का भी याद रह जाएगा अगर ज़रूरत पड़ जाए तो, ये उनका कहने का मतलब। संजोक्ता बोलती है वॉट कैन वी डू, तो अब हम क्या कर सकते हैं। तो नर्स बोलती है नथिंग और आई शुड हैव डन इट लॉन्ग अगो, कुछ नहीं कर सकते, अगर कुछ कर सकते होते तो बहुत लंबे टाइम पहले ही कर लेते। आई हैव फॉलन ऑन माई नीज एंड बेग्ड द प्रिंसेस बाय माई वाइट हेयर्स टू हाइड हर फेथ एंड एक्ट एज इफ शी हैड रिपेंटेड। मैंने अपने घुटनों के बल बैठ गई और भीख मांगी प्रिंसेस से, मतलब मीराबाई से, बाय माई वाइट हेयर्स, वाइट हेयर्स का वास्ता दे करके कि अपना ये जो भक्ति है इसे छुपा ले, मत कर इस तरह से कृष्ण भगवान की भक्ति खुल करके, तकलीफ में पड़ रही है क्योंकि, और ऐसा एक्ट कर ले कि मैंने भक्ति करना बंद कर दिया है और अब मुझे इस बारे में पश्चाताप हो रहा है। तो संयुक्ता बोलती है व्हाट डिड शी से, तो फिर मीराबाई ने क्या कहा। अब मीराबाई ने क्या कहा यहाँ पे बताया, लेकिन उसके पहले आपको एक चीज और बता दूं, यहां लिखा हुआ है हेयर्स ओके। अब 11th में पहुंच गए हो तो आप सभी को कम से कम इतना तो पता ही होगा कि हेयर्स कुछ नहीं होता है, हेयर होता है, ठीक है। हेयर हमेशा प्लूरल होता है जो कि सिंगुलर वर्ब लेता है, हेयर के बाद में जैसे इज लगता है, सिंगुलर वर्ब हमेशा लेगा। जैसे बोल सकते हैं कि माय हेयर इज ब्लैक, तो हेयर होता है, हेयर्स नहीं होता है, और हेयर के बाद में आर भी नहीं लगाना है। लेकिन ये सिचुएशन क्या है ये समझ लिया, यहाँ पे हेयर्स क्यों लगा हुआ है, क्योंकि हुआ कुछ यूँ है कि ये नर्स के बाल जो है पूरे वाइट है, पूरे ब्लैक है, लेकिन कुछ कुछ वाइट है। अब जब ऐसी कोई सिचुएशन बन जाए तो उस कंडीशन में
हेयर्स वर्ड का यूज कर लिया जाता है, ठीक है। ओके, संयुक्ता फिर बोलती है कि व्हाट डिड शी से, तो उसने क्या कहा। नर्स बोलती है नथिंग बट टर्न राउंड टू दैट इमेज विथ फोल्डेड हैंड्स एंड देन एज इफ इन वेरी ट्रूथ शी फेल्ट हिज प्रेजेंस देयर। तो बोले कुछ नहीं कहा उसने, और अपना मुंह उधर घुमा लिया उस मूर्ति की तरफ, और अपने हाथों को फोल्ड करके उसने कुछ ऐसा फील किया जैसे वास्तव में शायद भगवान वहां पे आ गए थे, भगवान कृष्ण वहां पे प्रेजेंट थे, और उनके प्रेजेंट में उसने भगवान कृष्ण से कहा, सेड फॉरगिव माई ओल्ड एंड ट्रस्टेड सर्वेंट लॉर्ड इफ आउट ऑफ लव फॉर मी शी हैज ऑफेंडेड दाय होली ईयर्स। तो उसने कहा कि प्रभु ये जो ट्रस्टेड सर्वेंट है मेरी, मतलब कि जो मेरी दाई माँ जैसी है, इन्हें माफ कर दीजिए अगर मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम क्योंकि ये करती है, और उसकी वजह से इस इन्होंने आपके पवित्र कानों को कुछ भी ऑफेंड करने वाली बात कही है उसके लिए। इतना बस मीराबाई ने कहा है वहां पे भगवान से। आई क्रिप्ट अवे अ सिक ड्रेड राउंड माई हार्ट। मैं वहां से चली गई, थोड़ा बाजू में हट गई, और एक किसी तरह का एक डर जो है मेरे दिल में थोड़ा पैदा हुआ एक तरह का। सच डूइंग्स मस्ट एंगर द राणा, इस तरह की चीजें राणा जी को गुस्से में ला सकती हैं। अ सर्वेंट एंटर्स अ टॉल वुमन बेरिंग अ बास्केट ऑफ फ्रूट विच शी प्लेसेस ऑन द टेबल एज शी डज सो अ साउंड ऑफ सिंगिंग कम्स फ्रॉम एन इनर रूम। तो एक सर्वेंट वहां पे आती है, एक ऊंची हाइट की मतलब एक औरत है जो कि बास्केट लेकर के आती है फ्रूट का, विच शी प्लेसेज ऑन द टेबल, जो कि टेबल पे रख देती है एज शी डज सो, जैसे कि हमेशा वो करते रहती है। तो साउंड ऑफ सिंगिंग कम्स फ्रॉम एन इनर रूम, तो अंदर के रूम से कुछ गाना सुनाई देता है उसको। तो सर्वेंट वहां पे पूछती है कौन गा रहा है, तो नर्स बोलती है आ मिस्ट्रेस। तो सर्वेंट बोलती है टू होम, किसके लिए गा रही है, तो नर्स बोलती है हर्सेल्फ द प्रिंसेस अलोन, खुद गा रही है, अकेली है उस रूम में। सर्वेंट बोलती स्ट्रेंज, स्ट्रेंज बोलकर के ध्यान से सुनने लगती है, और फिर पूछती है इज शी नॉट स्पीकिंग टू सम डियर फ्रेंड, क्या वो किसी डियर फ्रेंड से बात नहीं कर रही है वहां पे। नर्स बोलती है आई हैव टोल्ड यू द प्रिंसेस इज अलोन, कम गो अबाउट योर बिजनेस, योर एरंड इज डन। बोली कि मैं तुम्हें बता चुकी हूं कि प्रिंसेस अकेली है, और अब तुम अपने काम से काम रखो, आप जिस काम से यहां तक के आई थी वो हो चुका है। सर्वेंट बोलती है बट इट इज नॉट, आई हैव अ मैसेज ब्रॉट बाय अ रिलेशन फ्रॉम राजा जयमाल, लेकिन मेरे पास में एक मैसेज है, काम मेरा खत्म नहीं हुआ, मेरे पास में एक मैसेज है जो कि राजा जयमाल से संबंधित है, वहां से आया हुआ है। ओके, तो अगले पार्ट में देखते हैं आगे फिर क्या होता है। सही।